गाड़ी चल रही थी 1566 की पृष्ठ 2 के मध्य में। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, लेकिन शरीर के जो 5 तत्व हैं वो विनाशी नहीं है। 5 तत्व जिनसे शरीर बनता है वो भी अविनाशी है। जैसे घड़ा कहेंगे विनाशी है, और घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी को कहेंगे अविनाशी। एक भी आत्मा का विनाश को नहीं प्राप्त कर सकती। जैसे 5 तत्व अविनाशी है वैसे आत्मा भी अविनाशी है, और सब आत्माओं का अलग अलग अस्तित्व है। मनुष्य गुरुओं में तो मतभेद हो गए। एक मनुष्य ने कहा कि आत्मा एक है, वो ही परम ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो दूसरे मनुष्य गुरु ने कहा नहीं, आत्माएं सब अलग अलग है। परमात्मा उन सबसे अलग है।
शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोला तो माध्वाचार्य ने उल्टा बता दिया। दुनिया को ये लगा माध्वाचार्य ने उल्टा बताया और शंकराचार्य ने सही बताया, चारों ओर आवाज फैल गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है। दूसरी जो है वो सब उसके अंश हैं, वो अंश अंश में मिल जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा में मिल जाती है, लीन हो जाती है, और उनका वाद इतना प्रचंड गति से संसार में फैला कि जितने भी धर्म थे सब धर्म वालों ने ये बात मान ली, एक नास्तिक धर्म को छोड़ के, कि आत्मा सो परमात्मा। सवाल ये पैदा होता है, शंकराचार्य जिनसे ये संन्यास धर्म फैला उनकी बात में इतनी दम कहां से आ गई? ऐसी क्या बात है उनमें जो उन्होंने अपनी झूठ बात को भी सारे संसार में फैलाई दिया और सारी दुनिया ने उन बातों को मान लिया। पहले मुसलमान भी कहते थे अल्लाह ताला अर्श में रहता है, फर्श में नहीं है, अभी वो भी कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है, जैसे हिंदू लोग कहते हैं कणकण में व्यापक है। सब धर्मों के ऊपर उनकी इस बात का प्रभाव पड़ गया और सबकी बुद्धि भटक गई। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर में भटकते हैं, कहीं मस्जिद में भटकते हैं, कहीं गुरुद्वारों में भटकते हैं, ठिकानों में भटकते रहते हैं। जगह जगह भटकते रहते हैं क्योंकि समझते हैं कहीं भी परमात्मा व्यापक है, पत्थर ठिक्कर भित्तर। सब जगह व्यापक है। तो इतनी झूठी बात जो दुनिया का बुद्धियों को भटकाए देती है बजाय एकाग्र करने के, इतनी झूठी बात भी प्रचार प्रसार करने के निमित्त कौन बना? मुखिया कौन हुआ? शंकराचार्य। क्या उनमें दम डकार थी? आत्मा सो परमात्मा, ये तो उनका बाद हुआ, ये उनका मत हुआ, फैलाया हुआ, लेकिन उस झूठे मत में भी इतनी आखिर ये ताकत कहां से आई? ठीक बताया, उनमें प्योरिटी की पावर थी, भले घर घाट छोड़ने की प्योरिटी थी, नेचुरल पवित्रता नहीं थी, दिखावटी प्योरिटी थी, क्योंकि साथ रह करके घर गृहस्थ में पवित्र रह सकना सन्यासियों ने असंभव बता दिया। लेकिन फिर भी पवित्रता की पावर तो थी। दूसरे जो गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन बिताने वाले, उनके मुकाबले तो उनमें ज्यादा पावर थी ना। और उनमें ही नहीं, सिर्फ शंकराचार्य की बात नहीं, उनको फॉलो करने वाले जितने भी सन्यासी हुए उन सब में इतनी शक्ति रही
कि सब कोई हिंदुस्तानी उनके चरणों पर जाकर के माथा टिकाने लगे। यहां तक कि उन्होंने अपनों को घोषित कर दिया कि मंदिर में जो भगवान की मूर्ति रखी हुई है, शिवलिंग रखा हुआ है, वो तो जड़ है लेकिन उसका चैतन्य स्वरूप हम है, शिवो हम करके बैठ गए। और सारी दुनिया ने ये बात को सच्चा मान लिया, उनके सभी फॉलोअर्स शिवो हम कह के बैठ गए। तो ये करिश्मा कौन सी ताकत ने दिखाया? प्योरिटी की पावर ने। आज भी परमात्मा भले सृष्टि पर आ चुका है, आकर के कितने साल हो गए? 70 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी तक भी कोई भी धर्म के धर्म नेताएं ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि परमात्मा इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है, और उस एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करने से सारी सृष्टि का कल्याण होता है। भले ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव ने आकर के सारा ज्ञान सुनाई दिया है, लेकिन जैसे मां मीठी मीठी लोरी देती है बच्चों को, ऐसे ब्रह्म माने बड़ी और मां माने मां, जो सृष्टि की बड़े से बड़ी मां है, उस रूप में परमात्मा ने मीठा मीठा ज्ञान बच्चों को सुनाई दिया। उन बच्चों की बात भी दुनिया के धर्म नेताएं मानने के लिए तैयार नहीं, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा कुमार कुमारी। जिन्होंने मां से ब्रह्मा कहो या जगत मां कहो, बात एक ही है, जिन्होंने उस मां से सारी नॉलेज सुनी, वो मां भी बच्चा बुद्धि, क्योंकि मां घर संभालती है और सुप्रीम सोल बाप शिव पहले पहले मां के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है, प्यार भरा रूप लेकर के। उस प्यार भरी वाणी का नाम दिया है शास्त्रों में मुरली, मीठी तान, बहुत मीठी तान, बहुत लोरी सुनाई जाती है बच्चों को मीठी मीठी, तो बच्चे क्या करते हैं सुनते सुनते है? सो जाते हैं। तो जो भी सुनने वाले बच्चे थे वो सारे ही सोए हुए पड़े, क्योंकि दुनिया ने तो उनकी इस बात को माना ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है या एक व्यापी है। अब ये निद्रा में कैसे सो गए? भगवान का सच्चा ज्ञान मिला, और ब्रह्मा के रूप में मां के रूप में प्यार भरे रूप में मिला, फिर भी ये निद्रा क्यों?
रियलिस्ट है क्यों? क्योंकि मां का स्वरूप जो है वो शास्त्रों में भी भगवान का स्वरूप नहीं माना गया है। भगवान माता के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है। हाँ, भगवान जब भगवान बाप के रूप में सृष्टि पर आता है तो माँ उसकी सबसे जास्ती संसार में जो सहयोगी कोई नहीं बन सकता है, उतनी वो सहयोगी बन सकती है। तो ब्रह्मा दादा लेखराज के चोले के द्वारा जो मां का पार्ट बजाया गया, उस मां ने ये नहीं जान पाया कि भगवान बाप प्योरिटी की कौन सी परिभाषा बता रहे। यज्ञ के आज से ही ये झगड़ा शुरू हो गया था। यज्ञ के आज में ही जो संगठन बना था उसमें दो फाड़े हो चुके थे। एक छोटा ग्रुप छोड़ करके चला गया, जिसके लिए वाणी में बाबा ने बोला यज्ञ के आदि से ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। तो बाप की बुद्धि में वो बात थी, जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। अंग्रेजों में एडम, मुसलमानों में आदम कहा जाता है, लेकिन न बच्चों की बुद्धि में वो बात आई और न मां की बुद्धि में वो बात आई। और मां के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ के आदि में जो नामधारी मां बनी, उनका कार्यभार जिन्होंने अपने हाथ में लिया, दादा लेखराज ब्रह्मा, उनके तन के द्वारा सुप्रीम सोल को वो मुरली चलानी पड़ी। कराची से माउंट आबू आने के बाद 51 से लेकर के और 68 तक 18 वर्षों में सारी ही 18 अध्याय गीता का गीत वो लोरी ज्ञान की सुनाई दी। दुनिया के बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने, धर्म नेताओं ने, पढ़े लिखे लोगों ने उस वाणी के गुह्य राज को समझ नहीं पाया, या तो पूरा ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि गीता में तो लिखा हुआ है मैं साधारण रूप में आता हूं। सत्यनारायण की कथा में लिखा हुआ है वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आया, धनी मानी लोगों ने उसका तिरस्कार कर दिया। गीता में भी आया है मुझे साधारण रूप में आए हुए मनुष्य को, मनुष्य स्वरूप को, भगवान के रूप को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते, और न पहचान पाने के कारण ब्रह्मा ने अंत के स्वरूप में, जबकि उन्हें चोला छोड़ना था, ये फैसला नहीं कर पाया कि आखिरी असली भगवान का रूप क्या है। मुरलियों में तो ये बात क्लियर है,
जहां जहां ये बात आती है बार बार तुम उस बाप को याद करते हो, उस बाप को याद करके तुम उससे वर्षा लेते हो, उनको याद करते हो जिनसे तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो उन और उस शब्द से ये जाहिर हो जाता है कि बाबा का इशारा भविष्य के पार्ट की तरफ था, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी कि गीता का भगवान साकार में कोई दूसरा व्यक्तित्व भी हो सकता है। वो गीता का भगवान किसको मानते रहे? शरीर छोड़ने तक उन्होंने गीता का भगवान किसको माना है? हाँ कृष्ण है, तो कृष्ण में कौन वर्तमान में? दादा लेख रहा है ब्रह्मा अपने को ही कृष्ण के रूप में मानते थे ना, और गीता का भगवान किसको मानते थे? साकार प्रैक्टिकल में गीता का भगवान उनकी बुद्धि ने किसको माना है? अपने को ही, स्वयं अपन को ही माना ना। तो जब दादा लेख रहा है ब्रह्मा ने स्वयं अपन को गीता का भगवान माना, तो इससे साबित हुआ कि जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए सन 68 तक, उनको ब्रह्मा मानने वाले भले ब्रह्मा का ओरिजिनल रूप नहीं था, टाइटलधारी रूप था, आदि का ब्रह्मा रूप नहीं था, तो उन सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में यही बात आज तक भी बैठी हुई है कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल वर्तमान में दादा लेखराज ब्रह्मा। भले किताबें छपा छपाए के चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट ये करते रहे मुख से कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, निराकार शिव है माने बिंदु है, वो गीतापति भगवान है। अरे बिंदु कैसे गीतापति भगवान होगा? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप तो हो सकता है, लेकिन और दूसरे दूसरे संबंध स्थापित करने के लिए तो शरीर चाहिए ना। पति का संबंध, पत्नी का संबंध तो स्त्री पुरुष चोले के द्वारा ही हो सकता है ना। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठी, आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात, वो तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या कि परमात्मा सेवा सुप्रीम सोल के तीन रूप होते हैं, त्रिदेव, तीन मूर्तियों के द्वारा वो प्रत्यक्ष होता है संसार में, नहीं तो आत्मा ज्योति बिंदु इन आंखों से देखने में नहीं आती। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल परमात्मा भी इन आंखों से देखने की चीज नहीं है कि कोई कहे कि हाँ चलो दर्शन कर आए देखने को मिल जाए, नहीं, वो तो सुने सुनाए विश्वास बैठाए लेते हैं भक्तों की तरह, लेकिन वास्तव में इन आंखों से परमात्मा देखने की चीज नहीं, वो तो ज्ञान से समझा जा सकता है। और ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान दाता तो सिर्फ एक ही सुप्रीम सोल है, शिव, और इस सृष्टि पर कोई भी ज्ञान दाता नहीं है। अगर होता तो डाइवर्स की हिस्ट्री तो सारी मनुष्य सृष्टि के सामने मौजूद है, दुनिया नीचे गिरती जा रही है, प्यार सौहार्द स्नेह सहानुभूति में सहयोग में के ऊपर उठ रही है, दुनिया तो नीचे गिर रही है। तो सच्चा ज्ञान मिल रहा है या झूठा ज्ञान मिल रहा है? कुछ माता कह रही है सच्चा ज्ञान मिल रहा है, दुनिया नीचे गिर रही है तो सच्चा ज्ञान मिल रहा है या झूठा ज्ञान मिल रहा है? झूठा ज्ञान मिल रहा है। झूठ से दुर्गति, असत्य से
दुर्गति और सत्य से सदगति, और सत्य है एक ईश्वर, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो अकेला ही सच्चा है और सच्ची बात बताता है, और उसकी बताई हुई बात जब कोई दूसरा बताता है तो कुछ ना कुछ अपना मिक्स जरूर कर देता है। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो सारा क्या हो जाएगा, सारा ही विष हो जाएगा। तो सत्य है एक सुप्रीम सोल, और वो सुप्रीम सोल माता के रूप में पहले प्रत्यक्ष होता है। छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं, दूध में बच्चे होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, वो बच्चे समझते हैं माई हमारी सब कुछ है, उनके लिए सर्व संबंधी माँ होती है। लेकिन माँ उन बच्चों को बताती है बाद में, जब बच्चे थोड़े थोड़े फुर्त बुद्धि होते हैं तो माँ बताती है ये तुम्हारा बाप है, मैं तुम्हारा सब कुछ नहीं हूं, मेरे से तुम्हें सारी प्राप्ति होने वाली नहीं है, सारा वर्षे की प्राप्ति इससे होने वाली है, ये बच्चों की बुद्धि में बाद में बैठता है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में अभी तक भी ये नहीं बैठा है कि वो बाप सुप्रीम सोल जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है, बेहद का वर्षा देने वाला है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप इस संसार में कौन है। वो समझते हैं गीता का भगवान दादा लेखराज उर्फ कृष्ण माने कृष्ण की सोल ही है, भले मुख से प्रचार प्रसार करते रहे अभी तक कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव है, अभी तो वो प्रचार प्रसार करना भी बंद कर दिया, पुरानी किताबें भी गायब कर दी, कृष्ण का वो चित्र गीता का भगवान बताने वाला निराकार का और कृष्ण का वो चित्र भी गायब कर दिया, क्योंकि खुद की ही बुद्धि में बात अब समझ में नहीं आ रही है तो बोलना बंद कर दिया। अभी वो पावर कहां से आएगी प्योरिटी की, जो झूठ बात को उड़ाए दे और सत्य को साबित करे कि परमात्मा एक व्यापी है, एक व्यापी बनकर इस सृष्टि पर आता है, आया हुआ है, और कल्प कल्पांतर एक व्यापी बनकर के ही सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता रहेगा, एक ही मुकर्रर रथ होता है। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो क्या भूत प्रेत सब में प्रवेश कर सकते हैं, सबको अनुभव होता है भूत प्रेतों का क्या, नहीं। कोई कहते हैं हमारे कंधे पे कोई बैठा हुआ है, कोई कहते हैं हमारे सर पर सवार है, डॉक्टर लोग कहते हैं ये मरीज है, इसके दिमाग में डिफेक्ट आ गया है। उन डॉक्टरों से पूछा जाए, उन साइंसदानों से पूछा जाए, बड़मूला ट्रायंगल में तुम क्यों छोड़ छोड़ करके भागते हो वहां से, वो जो अंध महासागर में उत्तरी अमेरिका के पास समुद्र में बड़मूला ट्रायंगल है, वहां से तुम जहाज लेकर के कतरा के क्यों भाग जाते हो, उसका पता क्यों नहीं लगा पाया, तो कोई जवाब नहीं माना। परामनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है वो आज के साइंसदानों की पहुंच के बाहर, ये आत्मा परमात्मा सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ते सूक्ष्म शरीरधारी इविल सोल्स, इनके बारे में आज के साइंसदान
जो प्योरिटी की बात को कुछ जानते ही नहीं कि प्योरिटी चीज क्या होती है, व्यभिचार क्या होता है, अब व्यभिचार क्या होता है, इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। जो अंग्रेज डॉक्टर के हैं वो ब्रह्मचर्य को कुछ मानते ही नहीं, भारतीय जो वैद्य है आयुर्वेदिक वो ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दे रहे हैं। तो जो प्योरिटी है, जिस प्योरिटी से सारा संसार चलता है, सतयुग में सारी सृष्टि ऑर्डर में थी प्योरिटी की पावर से। क्या प्योरिटी की पावर थी वहां जो आज नहीं है? प्योरिटी की पावर की परिभाषा कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। स्थूल कर्मेंद्रियों की भोग की तो बात ही छोड़ दो, वो तो भ्रष्ट कर्मेंद्रियां हैं। भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से तो भ्रष्ट कर्म होता है। मिसाल मौजूद है, श्रेष्ठ कर्मेंद्री से भी संतान उत्पत्ति की मिसाल मौजूद है, और वो मिसाल जिस पक्षी की मौजूद है वो पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। पुलिस के सामने अगर कोई इस राष्ट्रीय पक्षी को गोली मारे और पुलिस कोई एक्शन न ले तो पुलिस के लोग भी पकड़े जाए और वो व्यक्ति भी पकड़ा जाए। क्यों इतना मान क्यों देते हैं? मोर को इतना मान क्यों देते हैं जो उसकी पूंछ भी कृष्ण के माथे पर लगाई जाती है? पूंछ माना दे अभिमानी की पूंछ, कि कहावत है शेर भरे की लोखड़ी फॉक्स, शेर भरे की लोखड़ी सवा शेर की पूंछ, पूंछ बड़ी। मोर जितना बड़ा पक्षी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी उसकी पूंछ होती है। तो पूंछ दे अभिमानी की पूंछ तो वो लंबी चौड़ी है लेकिन देखने में सुंदर बहुत लगती है। क्यों लगती है सुंदर? क्योंकि उसमें वो प्योरिटी की पावर भरी हुई है। वो भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सुख नहीं भोगता। मोर जब नाचता है तो मोरनी उसका आंसू पी लेती है और उस आंसू से ही उसका गर्व रह जाता है। तो जब मोर का मिसाल मौजूद है तो क्या देवताएं वो भ्रष्ट छीछी कर्म करते होंगे? देवताएं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, मूर्तियां बनाकर के लोग पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर के ऐसे भ्रष्ट कर्म करने की किसी की दिल होती है क्या? क्यों नहीं होती? वहां वायुमंडल इतना शुद्ध हो जाता है। किस लिए शुद्ध हो जाता है? क्योंकि उन देवताओं ने पवित्रता क्या होती है उस पवित्रता की असली परिभाषा को पहचाना था। आज उस असली पवित्रता की परिभाषा को पहचानना तो दूर रहा और ही जास्ती कुत्ते कुतियों की तरह व्यभिचारी बन गई। मनुष्य से बदतर जानवर हो गया, जानवर जैसे मनुष्य हो गए। कौन बहन होती है, कौन बेटी होती है, ऐसे ऐसे अखबारों में आज समाचार पढ़ने को मिलते हैं। जिससे अंदर से जो देव आत्माएं होती हैं उनको ही घृणा आएगी। जो देवता बनने वाले नहीं होंगे उन बातों को सुनकर के उनको कोई घृणा नहीं आती।
मुसलमानों में तो ये हिस्ट्री में नूद है कि उनकी भाई बहन में ही शादी होती थी, अभी भी शादी होती है लेकिन सिर्फ दूध बचाया जाता है। एक माँ का दूध पीने वाला बच्चा बच्ची न हो तो सतयुग में जो ऑर्डर में सृष्टि चलती थी उसका मूल कारण था वहां श्रेष्ठ इंद्रियों की पवित्र प्रवृत्ति थी जिससे संतान की उत्पत्ति होती थी, भ्रष्ट इंद्रियों की भ्रष्ट आचरण की वृत्ति नहीं थी और वहां व्यभिचार भी नहीं था इंद्रियों का। द्वैतवादी युग जब से शुरू हुआ, दो दो बातें फैलाने वाले धर्म पिताएं जब से सृष्टि पर आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, तब से वो व्यभिचार फैला और व्यभिचार फैलने के साथ साथ भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की उत्पत्ति की शुरुआत भी हो गई। और जो प्रकृति आर्डर में थी पहले वो आर्डर से बाहर हो गई। आज से 100-200 साल पहले भी पूरा परिवार कमाई नहीं करता था, सिर्फ जो परिवार का मुखिया होता था एक कमाता था और सारे ही पूरा परिवार पलता था। और पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, 100-100, 60-60 लोगों का एक एक परिवार होता था। इतनी प्योरिटी की यूनिटी 100-200 साल के अंदर ही देखी जा सकती, तो हजारों साल पहले सृष्टि किस हालत में होगी। प्रकृति सब कुछ मुहैया करती थी। आज आदमी ऑफिस में, खेतों में जो मजदूर हैं वो, कारखाने में काम करने वाले मजदूर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमको काम न करना पड़े, उस काम से निजात पाना चाहते हैं। हम बस सुबह से शाम तक मटरगस्ती करते रहे, घूमे फिरे, अब काम कोई नहीं करना चाहता। क्यों? पहले ऐसी स्थिति थी कि काम कम करते थे और प्राप्ति जास्ती होती थी, और अभी सारा का सारा परिवार काम करता है और प्राप्ति ना के बराबर, और ही दुख बढ़ता जाता है। तो ये प्योरिटी का प्रताप था, पवित्रता के वाइब्रेशन थे जिनके के कारण नेचर, प्रकृति सब कुछ मुहैया कराती थी, भरपूर अनाज था, भरपूर फल थे, भरपूर सूखे मेवे थे, खाने वाले कम और माल ज्यादा। और अभी उल्टा हो रहा है, अभी उल्टा होता जा रहा है। तो शंकराचार्य की जो पवित्रता की पावर थी उसकी भी एक मिसाल है। उनके फॉलोअर्स, शंकराचार्य के सन्यासी जो फॉलोअर्स बने वो भी जंगलों में रहते थे और जंगलों में रह करके पवित्रता का पालन करते थे, और जंगल में लोग जाकर के बड़े बड़े राजाएं और बड़े बड़े साहूकार उनको भोजन दे करके आते थे। कोई सन्यासी जब व्यभिचारी बने, अपवित्र बनने लगे, तामसी बने, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर तू सामान्य, फिर रजो, फिर तमो बनती है। तो वही सन्यासी जब तामसी बन गए तो शहरों में घुस पड़े, भीख मांगने लग पड़े। क्या कारण हुआ? जो पवित्र थे वो अपवित्र बन गए। तो पवित्रता की सारी महिमा है,
जितनी भी आत्माएं हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्य देवताएं राक्षस, उन सब आत्माओं के बीच में एवर प्योर कौन है? एवर प्योर सुप्रीम सोल कहा जाता है। उसकी एवर प्योरिटी का प्रूफ क्या है? जो शास्त्रों में देव देव महादेव कहा जाता है, उस महान ते महान देवता 33 करोड़ देवताओं में 3 देवताएं मुख्य महान, और उन दो तीनों में महान देव देव महादेव, उनकी ये शिफ्ट गाई जाती है आज तक भी। शिव शंकर भोलेनाथ, वो शिव सुप्रीम सोल एवर प्योरिटी की पावर उसमें प्रवेश करके संसार में ये साबित कर देती है। उससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई भी नहीं। तो दुनिया में सबसे जास्ती हिस्ट्री में पूजा किसकी दिखाई जाती है? देवताओं की भी उतनी पूजा नहीं दिखाते। शिवलिंग की सबसे जास्ती पूजा होती है। अच्छा, वो तो निराकार की यादगार हो गई, जिसको हाथ पांव नाक कान नहीं है। जिन साकार शरीरधारियों के विग्रह बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, उन मूर्तियों में सबसे जास्ती पूजा किसकी दिखाई जाती है? जैनियों में उसको कहते हैं तीर्थंकर, हिंदुओं में उसे कहते हैं शंकर आदिदेव। तो वो मूर्तियां भारतवर्ष की खुदाइयों में ही नहीं मिली, सिंध है और जोधड़ो हड़प्पा, लेकिन विदेशों की खुदाइयों में भी, ग्रीस मेसोपोटामिया, जो जमीन की खुदाइयां हुई हैं उसमें वो मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। इससे साबित होता है कि हजारों साल पहले उन मूर्तियों की पूजा होती थी। वो पूजा इस बात को साबित कर रही है कि उनमें पवित्रता का भंडार था। सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। उन लिंग मूर्तियों में नाक आंख कान भी बनाए देते हैं, माना वो सुप्रीम सोल कोई जन्मण के चक्र में आने वाली आत्माओं में से किसी विशेष आत्मा में प्रवेश करके एक पार्ट बजाता है कर्मेंद्रियों से। जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उनमें लिंग को मुख में आंख नाक कान दिखाई देती है, फिर भी वो सारा ही लिंग लिंग रूप में दिखाया जाता है। क्यों हाथ पांव क्यों नहीं दिखाते? कर्मेंद्रियां क्यों नहीं दिखाई जाती? कर्मेंद्रियों के रूप में अगर दिखाया जाएगा तो सिर्फ लिंग दिखाया जाएगा। हाथ पांव क्यों नहीं दिखाते? टांगे क्यों नहीं दिखाते? बाह क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उसने जो पार्ट बजाया है मनुष्य सृष्टि को समझाने के लिए कि एवर प्योरिटी क्या चीज है, और वो एवर प्योरिटी प्राप्त करने में 33 करोड़ देवताएं नंबरवार हैं। बाकी मनुष्य सृष्टि तो इस बात को पहचानती नहीं, जानती ही नहीं कि घर गृहस्थ में रह करके पवित्रता देवताओं ने कैसे प्राप्त की। वो लिंग मूर्तियां वो यादगार बनी हुई है। लिंग मूर्ति जहां कहीं भी स्थापन करेंगे तो जलाधारी रखी होगी। जलाधारी
स्त्री के निशान की यादगार है और लिंग पुरुष लिंग की यादगार है। माना इतने समीप, इतने नजदीक, इतने संबंध में, इंद्रियों के संबंध में, संपर्क में होते हुए भी वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। तो ये यादगार जो है वो शिव की पूजा की सबसे जास्ती निमित्त बनती है। सिर्फ ये बात सिखाने के लिए कि जो दैवी सृष्टि है उस दैवी सृष्टि में इन भ्रष्ट इंद्रियों के कार्य करने न करने का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे नहीं कि इंद्रियां निस्तेज हो जाती हो, निस्तेज होने की बात भी नहीं है, तेज भी रहता है लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता। तो ये स्वरूप है प्योरिटी का। असली प्योरिटी सन्यासियों के पास नहीं है, असली प्योरिटी परमात्मा बाप के उन देवात्मा बनने वाले बच्चों के पास थी, अभी भी है। सिर्फ उस पवित्रता की पावर को प्रत्यक्ष करने की बात है। पहले अपने अंदर ये बात फिक्स हो जाए, बैठ जाए कि हमने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। प्रवृत्ति मार्ग है तो प्रवृत्ति में रहते एक के चाहने से नहीं होगा, दोनों ही प्रवृत्ति में मिलकर के उस पावर को प्राप्त कर सकते हैं। वाइब्रेशन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मन के अंदर ये बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए कि असली पवित्रता क्या है और हमें कहां तक पहुंचना है, टाइम वेस्ट हो गया, 60-70 साल गुजर गए, वो ज्ञान की बात सिखाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आया जो जानकारी मनुष्य सृष्टि के पास नहीं है। वो राजयोग जिसमें वो राज भरा हुआ है कि पवित्रता की पावर कहां तक प्राप्त करनी है, वो राज अच्छी तरह जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ भी होगा। अभी वो पुरुषार्थ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो विशेष आत्माएं अभी आने को हैं वो अभी इस ब्राह्मणों के संगठन में आई नहीं है। बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों का संगठन है वो तो अधूरी पढ़ाई है, एडवांस नॉलेज के ब्राह्मणों का जो संगठन है वो पढ़ाई तो परिपूर्ण है, सारी पढ़ाई पढ़ाई दी गई है, सिर्फ अभी प्रैक्टिकल में लाने की दरकार है। प्रैक्टिकल में लाने के लिए कायदे अनुसार चलन होनी चाहिए, बेकायदे चलन न हो। समाज के कायदे होते हैं, सरकार के कायदे होते हैं और ईश्वरीय कायदे कानून भी। कोई भी प्रकार के कायदे कानून का उल्लंघन न हो, जो कुछ भी हो कायदे कानून में बंधा हुआ। अगर इस तरह बैलेंस में रहते हुए हम अपनी राजयोग की प्रैक्टिकल और थ्योरी की पढ़ाई को पूरी करें
तो जरूर हमको वो पवित्रता की पावर प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अभी तक भी जो मूल मूल बातें हैं ज्ञान की वो हम ब्राह्मण बच्चों की भी बुद्धि में नहीं बैठी हुई। मूल बातें ही दो हैं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण की सोल दादा लेखराज भी गीता का भगवान साकार रूप नहीं है। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बात जब तक बुद्धि में पक्की पक्की इतनी न बैठ जाए कि हम दूसरों को समझा सके, खुद निश्चय बुद्धि होंगे तो दूसरों को भी निश्चयात्मक बुद्धि से समझा सकेंगे। कोई भी ज्ञान की बात जितना हम दूसरों को बताते हैं हमारे अंदर पक्की होती जाती है, हमारा मनन चिंतन मंथन और ही जास्ती में जाता है, जास्ती गहराई में जाता है। अभी वो गहराई मनन चिंतन मंथन की उतनी प्रत्यक्ष में देखने में नहीं आ रही। जो अंदर से महसूस हो कि अतीन्द्रिय सुख क्या चीज होती है, इंद्रियों से जो सुख लिया जाता है उसमें मन आसक्त होता है, इसका मतलब अभी अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा है। इंद्रियां भले अपने कार्य में लगी रहे लेकिन मन उसमें आसक्त न हो, मन का लगाव न हो। जैसे किसी परिवार में डकैतों ने आकर के गोली से सबको भून डाला हो, जैसे कुछ उत्तर भारत में होता रहा, अभी हो रहा है, 34-34 परिवार के जो भांति होते हैं उनको एक ही रात में उन्होंने खलास कर दिया। और खुदा न खास्ता उनमें से कोई एक बच जाए परिवार का मुख्य बड़ा है या कोई भी समझदार व्यक्ति, तो उसको अच्छे अच्छे व्यंजन सामने रख दिए जाए, 36 प्रकार के भोग लो खाओ, तो उसका मन उन्हें खाने में लगेगा। अरे उतनी बड़ी बात तो छोड़ दो, रोज घर में मैयत होती रहती है, घरों घरों में, घर में किसी घर में कोई शरीर छोड़ता है तो कम से कम अल्पकाल का वैरागी तो आता है ना। जिस दिन शरीर छोड़ता है घर में कोई, तो मन खाने की चीजों में लगता है क्या? नहीं लगता। तो ऐसे ही अभी सारी सृष्टि की मैयत सामने खड़ी है। जैसे गीता में भगवान ने कहा था, ये अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, ये सब मेरी दाढ़ों के अंदर चबाए जाने वाले हैं। दाढ़ है एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स जो सागर के अंदर भी तैर रहे हैं और आसमान में भी तैर रहे हैं, ये मेरी दाढ़ है। ये एटमिक एनर्जी का जब एक साथ विस्फोट होगा 5-7 रोज के अंदर, आखिरी विश्वयुद्ध है, चतुर्थ विश्वयुद्ध है, तो पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे और जितनी भी महलमाणियां अटारियां ये 100-150 साल के अंदर माया का पंप
मनुष्यों की बुद्धि को भरमाने के लिए तैयार हुआ है। ये सब मेलमाड़ियां अटारियां धूल दूसरे तो हो जाएंगे और उनमें रहने वाले मनुष्यों का क्या हाल होगा, वो भी खलास हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी विनाश की बात भूकंप से होनी, तो ये विनाश का ज्ञान भी कोई नहीं दे सकता। अभी परमात्मा बाप आकर के बताए रहे हैं कि जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर ही अपने अपने धर्म की स्थापना की और चले गए, ऐसे मैं भी 100 वर्ष के अंदर धर्म की स्थापना करके और वापस जाऊंगा, सत्य सनातन धर्म स्थापन करके जाऊंगा। लेकिन पूरा धर्म स्थापन होने से पहले ही विनाश भी होगा इस सृष्टि का। 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि खलास हो जाएगी, जो नई सृष्टि होगी उसमें पवित्र आत्माएं बचेंगी जो पवित्रता के लिए अभी से पुरुषार्थ करेंगी, झूठी पवित्रता नहीं, सन्यासियों वाली पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के लिए पुरुषार्थ करेंगे, भगोड़े बनने वाली बात नहीं। ये है बड़े से बड़ी पहलवानी, शरीर को पहलवान बनाना, वो तो आज की दुनिया में कुछ नहीं माना जाता। कहां एटम बम बना लिए, बटन दबाया और चल पड़ा, और कहां पहलवान मुक्केबाज, उसको कौन पूछेगा। लेकिन दुनिया की जो बड़ी से बड़ी शक्तियां हैं वो आपकी प्योरिटी के आगे धूल चाटेंगे, आपकी पवित्रता की पावर उनको भयंकर साक्षात्कार करा देगी और वो डर जाएंगे। तुमको अच्छे अच्छे साक्षात्कार होंगे नई दुनिया के और उनको भयंकर साक्षात्कार होंगे। क्यों? जिन्होंने जन्म जन्मांतर बुरे कर्म किए हैं, बुरों की बात मानी, विनाश काल में उनको खुदा का सहयोग नहीं मिलेगा, और जिन्होंने अच्छे की बात मानी है और अच्छे कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, उनको ईश्वरीय सहयोग अंत तक मिलेगा। अब ये पवित्र नई सृष्टि जो स्थापन करने के लिए परमात्मा आया हुआ है, उस कार्य में जो सहयोगी बनेंगे वो बहुत खुश रहेंगे। अभी क्या है, अभी भी तो 70 साल हो गए ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, अभी खुश क्यों नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि अभी भी पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन असली पवित्रता की असलियत को अभी नंबरवार पहचाना गया, इसलिए वो खुशी नहीं रहती। जो कापारी खुशी बताई है कि शरीर के चाहे जितने भी दुख आते रहे, परिवार के दुख, गांव मोहल्ले वालों के दुख, सरकार की तरफ से थोपे गए दुख, ब्राह्मण परिवार की तरफ से थोपे गए दुख, स्थितियां परिस्थितियां चाहे जितनी भयंकर बने लेकिन अपना मन प्रसन्न रहे,
अपने मन में ये बात बैठी रहे कि हमारा बाल बांका अब इस सृष्टि पर होने वाला नहीं है, हमारी अंतिम विजय निश्चित है। तो प्योरिटी तब आएगी जब ब्राह्मण परिवार के अंदर, एडवांस पार्टी के अंदर एक की बात बुद्धि में बैठ जाए कि एक ही मुकर्रर है जिसके द्वारा कल्याण हो सकता है और दूसरे किसी के द्वारा कल्याण नहीं हो सकता है। और वही गीता का भगवान, गीता पति है तो गीता माता भी जरूर चैतन्य में होगी। वो माता पिता की प्रैक्टिकल स्वरूप की बात बुद्धि में बैठ जाए तो अहो सौभाग्य। ओम शांति।